हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेदू वड़ा रेसिपी। मेदू वड़ा को किसी चटनी के साथ या सांभर के साथ खाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत लगेगी। इसके लिए हमें लगेगा उड़द दाल। ये मैंने 2 कप लिया है उड़द दाल, और इसे मैंने 5 घंटे पहले भिगो कर रखा था। हरा धनिया चॉप किया हुआ, कुछ पुदीना के पत्ते चॉप किए हुए, यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है 1, और अदरक का छोटा टुकड़ा लिया है, नमक, और डीप फ्राई के लिए हमें चाहिए ऑयल। तो सबसे पहले हम उड़द दाल को 2-3 बार धो के पानी स्ट्रेन करके लेंगे। उड़द दाल का पानी मैंने स्ट्रेन करके लिया है, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च और अदरक का छोटा टुकड़ा और नमक। इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है तो इसमें 1 या 2 चम्मच ही पानी डालना है। उड़द दाल अच्छे से ग्राइंड हो गई है। यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच पानी डाला है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ था ये सारा। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसे 1 मिनट के लिए फेंट लेंगे ताकि ये अच्छा सा फ्लफी हो जाए। अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और कुछ पुदीना के पत्ते चॉप किए हुए। ये सारा हमें मिक्स करना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और इसे अच्छे से फेंट भी लिया है मैंने। अब हम चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने बाउल में पानी लिया है, इसमें से थोड़ा सा हम डो निकालेंगे और पानी के अंदर छोड़ देंगे। डो ऊपर तैर रहा है, मतलब हमारा जो बैटर है वो वड़े बनाने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर देती हूँ और अभी हम वड़े बनाएंगे। हाथ को पानी लगाएंगे ताकि ये बैटर हाथ को चिपके ना। इसमें से हम थोड़ा बैटर लेंगे और बीच में से राउंड करेंगे, और वड़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही डीप फ्राई करना है। हाई फ्लेम या लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं डीप फ्राई करना है, क्योंकि हमने हाई फ्लेम पे गैस किया तो ऊपर से वो क्रिस्पी बन जाते हैं लेकिन अंदर से वो कच्चे ही रहते हैं। तो इसलिए हमें डीप फ्राई के लिए मीडियम ही गैस का फ्लेम होना चाहिए। और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक डीप फ्राई करना है। अब हम इसे पलट लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नारियल की चटनी और सांभर का जो रेसिपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है आपको। अच्छे से इसे पलट लेंगे
और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है। यहाँ पे वड़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, डिलीशियस मेदू वड़े रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैंने सांभर के साथ इसे सर्व किया है। मैंने सांभर की और चटनी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।